अशोकनगर में भीषण ठंड, कोहरे और शीतलहर का प्रकोप जारी है। बावजूद इसके नन्हे मुन्ने बच्चे इसी भयानक ठंड में स्कूल जाने को मजबूर हैं। ठंड को देखते हुए भी जिला प्रशासन या शिक्षा विभाग ने स्कूलों की छुट्टियां घोषित नहीं की है। इस मामले को लेकर अभिभावकों और समाज सेवियों ने ज्ञापन जिला प्रशासन को सौंप कर स्कूलों का अवकाश करने की मांग की है। हम लोगों ने आज अशोकनगर के जो समाजसेवी थे सभी ने मिलकर आज ज्ञापन दिया है कि पिछले दिनों से अशोकनगर में बहुत भयंकर शीतलहर है, छोटे छोटे बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। चूंकि ड्रेसों की गुणवत्ता इतनी अच्छी नहीं है, ड्रेस कोड भी इतने अच्छे नहीं है कि बच्चे स्कूल में ऐसे शीतलहर में जा सके, तो हमने मुख्यमंत्री के नाम पे यहाँ पे कलेक्टर साहब को ज्ञापन दिया है और उनसे निवेदन किया है कि शीतलहर को देखते हुए एक फर्स्ट क्लास से लेके आठवीं क्लास तक कम से कम 5 दिन की या 7 दिवस की छुट्टी की जाए। शहर में ठंड के चलते आमजन का हाल बेहाल है। कोहरे का आलम यह है कि दोपहर की भी विजिबिलिटी काफी कम है। ऐसी ठंड में भी नन्हे मुन्ने बच्चों को स्कूल जाना पड़ रहा है। इसी मामले को लेकर अशोकनगर में कई अभिभावक और समाज सेवी कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने शीतलहर को देखते हुए शिक्षण संस्थाओं का अवकाश घोषित करने की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। मधुभाषी प्रदेश के लिए अशोकनगर से आशीष मालवीय की रिपोर्ट। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मधुभाषी प्रदेश से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।